नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जब भी शराब की बात आती है तो लोग देशी शराब को पीने से मना करते हैं, जबकि अंग्रेजी शराब जैसे कि व्हिस्की, वाइट, टकीला को काफी शौक से पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है और ये एक तरीके से ही बनती है। दोस्तों शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि देशी शराब और ब्रांडेड शराब में कोई खास अंतर नहीं होता है। वैसे देशी शराब और अंग्रेजी शराब में अंतर यह इसके बनने की प्रोसेस के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और इसका किसी भी तरह से या किसी भी रूप में सेवन करना गलत है। लेकिन जिन लोगों को शराब पीने की आदत है वो देशी शराब पीना पसंद नहीं करते हैं और ज्यादातर लोग अंग्रेजी शराब पीना ही पसंद करते हैं, जबकि देशी शराब और अंग्रेजी शराब में कोई खास अंतर नहीं होता है और देखा जाए तो ये दोनों ही एक ही तरीके से बनते हैं। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शराब के रूप में लोग देशी शराब पीते हैं, बस इनमें हल्का सा अंतर होता है। देशी शराब और अंग्रेजी शराब के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि देशी शराब को कंट्री लीकर या IMCL कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इंडिया मेड कमर्शियल लीकर, जबकि भारत में अंग्रेजी शराब के नाम पर जो शराब बिकती है उसे IMFL यानी कि इंडिया मेड फॉरेन लीकर कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देशी शराब भी सरकारी नियमों का पालन करते हुए ही बनाई जाती है और जो लाइसेंस दुकानों पर मिलती है, और ये देशी शराब ही अंग्रेजी शराब की शुरुआती फॉर्म है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि देशी शराब और अंग्रेजी शराब कैसे बनती है, जिसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इन दोनों ही शराब में क्या अंतर होता है। वैसे तो देशी शराब और अंग्रेजी शराब बनाए जाने का प्रोसेस लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन देशी शराब एक तरह से प्यूरिफाइड स्प्रिट या डिस्टिल्ड होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देशी शराब बनाने वाली कंपनियां ही ये स्प्रिट अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनियों को भेजती हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनियां भी देसी कंपनियों से ही शराब बनाने का बेसिक लिक्विड खरीदती हैं और इसके बाद इसमें फ्लेवर वगैरह मिलाकर अंग्रेजी शराब बनाई जाती है। बता दें कि देसी शराब एग्रीकल्चर सोर्स के डिस्टिल्ड से बनती है और इसका जिक्र शराब की बोतल पर भी होता है, जिसमें चावल और जौ जैसी चीजें शामिल है। इससे ही एक लिक्विड तैयार किया जाता है जो शराब बनाने का अहम सामान होता है, जबकि देसी शराब में कोई फ्लेवर वगैरह का मिक्सचर नहीं होता है और इसीलिए ये एकदम सादा होती है। इसके अलावा इसमें सरकार की ओर से टैक्स में भी फायदा मिलता है और हमारे भारत में इसकी बिक्री काफी ज्यादा है। अंग्रेजी शराब कैसे बनती है? दोस्तों अंग्रेजी शराब का मतलब है बाहर की विस्की वगैरह को भारत में बनाया जाना, लेकिन हमारे देश भारत में इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। पहले तो देशी शराब बनाए जाने वाले स्प्रिट को खरीदा जाता है, यानी देशी शराब से ही अंग्रेजी शराब बनती है। इसके बाद इसमें स्कॉच की अलग अलग मात्रा मिलाई जाती है और साथ ही कुछ फ्लेवर वगैरह भी ऐड कर दिए जाते हैं, और ये सारी चीजें मिलाने के बाद इसे विस्की की शक्ल मिल जाती है। यानी कि देशी और विदेशी शराब को बनाने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें ऐड करने की वजह से इसमें अल्कोहल की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है और ये लगभग 40% तक पहुंच जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा इसकी पैकिंग भी अलग होती है, तो ऐसे में पैकिंग, अल्कोहल, स्कॉच या फ्लेवर बढ़ने के साथ इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। साथ ही गवर्नमेंट की ओर से अंग्रेजी शराब पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है और जिससे अंग्रेजी शराब की कीमत आसमान छूने लगती है। हालांकि कुछ अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनियों का तरीका इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वाइन, विस्की, वोडका, रम और बियर इन सब में क्या अंतर होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी का अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देशी शराब और अंग्रेजी शराब में क्या अंतर होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अगर आप नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।